हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी पाठशाला। तो फ्रेंड्स आज मैं अपना पहला लेक्चर लेकर आया हूँ इंग्लिश पर। और फ्रेंड्स मैं आपको चीज़ बता दूँ कि जो मैं इंग्लिश के लेक्चर अब शुरू कर रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, तो ठीक है। तो अगर आप मेरे वीडियोज़ आज से लगातार देखोगे तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंग्लिश में आप कम से कम कट ऑफ अपना क्लियर कर लोगे एग्ज़ाम में। भले कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका इंग्लिश का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा और आपको इंग्लिश में डरने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। अब मैं इंग्लिश को कैसे पढ़ाऊंगा और आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी ये मैं आपको कल के वीडियो में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आगे आने वाले जो भी पेपर हैं उनके लिए हम कैसे तैयारी करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आपको मैं इंग्लिश बता सकूँ और आज से शुरुआत कर सकूँ इंग्लिश की, फाइन। तो चलिए आज का लेक्चर हम बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं क्योंकि आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर जो मेरा है वो है एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद दी सब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। ये टॉपिक मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि इसी टॉपिक पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये टॉपिक क्या है और इसको हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस टॉपिक में जैसा कि नाम बता रहा है एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट, मतलब हम जानेंगे कि जो भी सब्जेक्ट होता है हमारा उसके साथ हम वर्ब का यूज़ कैसे करेंगे, ठीक। अब पहले मैं बता दूँ सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स जब भी कोई सेंटेंस बनता है, फाइन, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपके आगे एक सेंटेंस लिखता हूँ कि राम और राहुल लिख लीजिए, चलिए राहुल गोस टू स्कूल, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राहुल गोस टू स्कूल। देखिए फ्रेंड्स ये जो सेंटेंस की शुरुआत हुई है वो किससे हुई है, राहुल से, फाइन। तो देखिए जिस सेंटेंस की शुरुआत होती है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक। क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा हमारा नाउन या प्रोनाउन जो सेंटेंस की कहाँ आएगा, स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है। जैसे सेंटेंस लिखा था राहुल गोज टू स्कूल, इसमें सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, राहुल, और राहुल क्या है, एक नाउन है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, ऐसा नाउन और प्रोनाउन जो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आए, फाइन, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। और वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है एक्शन वर्ड। वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, मतलब जो एक्शन बताता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है। जैसे इस सेंटेंस में देखिए क्या है, राहुल गोस टू स्कूल, राहुल क्या कर रहा है, स्कूल जाता है। तो देखिए ये जो गो है ये क्या बता रहा है, राहुल की क्रिया है ना, राहुल क्या करता है, स्कूल जाता है, तो क्रिया क्या हो गई, जाता है, मतलब वर्ब क्या हो गया, गो, क्योंकि यही एक्शन हो गया ना राहुल का, राहुल कुछ भी नहीं कर रहा सिर्फ जाता है, तो राहुल का एक्शन क्या है, गोइंग टू स्कूल। तो ये गो हो गया, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ कैसे वेरी करेगा और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स जैसा कि आपने IBPS पेपर दिया है और आपने देखा होगा कि एरर स्पॉटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर की आई है ना। इस बार आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को नहीं मिले जबकि क्या देखने को मिला है, एरर। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 60-80% जो आपके एरर्स होते हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर ही बेस्ड होते हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के टॉपिक में आपको कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा जिससे कि आप इस एरर को बहुत आसानी से पहचान लोगे, ठीक है। तो समझ में आया फ्रेंड्स आपको सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन जो भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा, ओके। अब आपको बात क्या याद रखनी है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक, सिंगुलर मतलब एक वचन। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैं आपको इंग्लिश के टर्म्स हिंदी में नहीं बताऊंगा, और ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में आपका जो इंग्लिश का सेक्शन है वो आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, वहाँ आपको हिंदी तो मिलेगी नहीं। तो इसलिए फ्रेंड्स कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश के बेसिक वर्ड्स समझें, फाइन, और इससे आपको एडवांटेज कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर में। इसलिए मैं आपको अभी तक क्वेश्चंस इंग्लिश में करा रहा हूँ, उसका रीज़न यही है फ्रेंड्स कि अगर मैं आपको हिंदी में कराऊंगा तो आप कभी इंग्लिश लर्न करने के लिए वो दिखाओगे नहीं, कहते हैं ना जिज्ञासा, या आप वो नहीं दिखाओगे, क्या कहते हैं उसको, कि क्यूरियोसिटी नहीं दिखाओगे, कि आप कभी नहीं सीखोगे कि नए वर्ड्स क्या हैं, है ना। और इसका आपको फ़ायदा फिर कहाँ होगा, डिस्क्रिप्टिव में, अगर आप ऐसा करोगे, फाइन। इसलिए मैं आपको इंग्लिश में हिंदी का कोई भी एक वर्ड भी नहीं बताऊँगा, ओके, और आपको ऐसे ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है ताकि आप डिस्क्रिप्टिव के लिए रेडी हो जाओ। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्टिव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ इंग्लिश के अंदर आप थोड़ा सा फोकस करिए। तो देखिए फ्रेंड्स
अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ठीक है, तो हमारा वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर ही होगा, ठीक। ऐसे ही अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल हो गया, तो हमारा वर्ब भी क्या हो जाएगा? वर्ब भी क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा वर्ब है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद द वर्ब, या एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट, जो आपको हो, ठीक। तो क्योंकि हमारा जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। बस फ्रेंड्स आपको यही बात याद रखनी है। तो इस टॉपिक में मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए वो रूल्स क्या हैं आगे हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए पहला रूल आपके सामने ये रहा। देखिए फ्रेंड्स पहला रूल क्या कह रहा है, नाउन्स और प्रोनाउंस ज्वाइंड बाय एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। मतलब जो भी नाउन्स या प्रोनाउंस हैं अगर उनको एंड से जोड़ा गया है, कौन से वर्ड से? एंड से, तो वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल, द नरेटर एंड, देखिए फ्रेंड्स ये वर्ड है एंड, द पोएट आर कमिंग टू द सेमिनार। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दो लोग हो गए, एक द नरेटर और दूसरा कौन हो गया? द पोएट। तो यहाँ पे इनको किससे ज्वाइन किया गया है? एंड से। तो हमारा वर्ब देखिए कैसा है? प्लूरल है ना, हमने आर यूज किया ना, तो आर कमिंग टू द सेमिनार, फाइन। तो यहाँ पे क्या आएगा? आर आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंड का यूज हुआ है और मैंने बताया कि जब भी एंड आएगा तो वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल, मतलब आपका सेंटेंस जो भी होगा वो कैसा होगा? प्लूरल होगा, ठीक। तो यहाँ पे आर की जगह इज नहीं आएगा। तो अगर एग्जामिनर आपको लिख के देता कि द नरेटर एंड द पोएट इज कमिंग टू द सेमिनार, तो एरर कहाँ पे होता? इज पे, क्योंकि इसकी जगह आपके क्या आएगा? आर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे दूसरे एग्जाम्पल देख लेते हैं, रोहन एंड, देखिए फिर आपको एंड दिख गया, फिर क्या कह रहा है? हिज फ्रेंड्स आर गोइंग आउट। देखिए फ्रेंड्स ये भी सेंटेंस बिल्कुल कैसा है? सही है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे एंड का यूज हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? जो भी आपका सेंटेंस है वो कैसा होगा? प्लूरल होगा, और प्लूरल ही है क्योंकि यहाँ पे क्या यूज किया गया है? आर का यूज किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो समझ में आया कि जब भी आपके सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन, मतलब जो सब्जेक्ट है, नाउन या प्रोनाउन का मतलब क्या? सब्जेक्ट, ठीक। और मैंने इसको ऑब्लिक करके क्यों लिखा? क्योंकि नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी, मतलब आपके पास कम से कम दो सब्जेक्ट्स होंगे, फाइन, और उनको किससे ज्वाइन किया गया होगा? एंड से, समझ में आया। और ऐसा होगा तो आपका वर्ब कैसा होगा? प्लूरल होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें आपको ध्यान किस बात का रखना है, इसमें एक एक्सेप्शन है, वो क्या है वो देखिए। वो कह रहा है कि इफ टू नाउन्स और प्रोनाउंस रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग देन द वर्ब इज सिंगुलर। देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि यदि दो नाउन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ा गया है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो सेम पर्सन या थिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब आपका वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा, ठीक। मतलब क्या है देखिए, अभी मैंने आपको रूल बताया था कि एंड से जो भी आपके नाउन या प्रोनाउन जुड़ेंगे, दो जुड़ेंगे, एटलीस्ट दो सब्जेक्ट होंगे, तभी उनको एंड से कनेक्ट किया गया है। पहला रूल ये कह रहा था कि अगर दो सब्जेक्ट्स एंड से कनेक्टेड हैं तो वर्ब कैसा होगा? प्लूरल, ओके। कहने का मतलब ये था कि जो भी आपके दोनों सब्जेक्ट्स होंगे वो कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। लेकिन एक्सेप्शन क्या कह रहा है कि यदि दोनों सब्जेक्ट्स एक ही हैं, मतलब एक ही पर्सन को या एक ही थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, तब आपका वर्ब कैसा हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स एग्जाम्पल, द नरेटर एंड, देखिए आपको एंड मिल गया, फाइन, तो द नरेटर एंड पोएट इज डेड। देखिए मैंने बताया था कि एंड का यूज हुआ, फाइन, दो सब्जेक्ट हैं आपके, एक नरेटर और एक पोएट, तो वर्ब कैसा होना चाहिए था? आर, है ना, प्लूरल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या यूज किया गया? इज, और तब भी ये सेंटेंस कैसा है? सही है, ठीक है। अब क्यों सही है वो देखिए, यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, एक नरेटर है और एक पोएट है, लेकिन वो दोनों एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, वो दोनों एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ये देखिए, आप इस सेंटेंस को देखिए और एक इस सेंटेंस को देखिए जो मैंने ऊपर लिखा था, आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है इन दोनों सेंटेंस में? देखिए फ्रेंड्स उसमें था द नरेटर, नीचे भी क्या लिखा है? द नरेटर, फिर एंड, नीचे भी एंड, फिर ऊपर था द पोएट, फ्रेंड्स क्या था? द पोएट, और नीचे क्या है?
सिर्फ पोएट। डिफरेंस मिला? यही डिफरेंस है फ्रेंड्स। देखिए ऊपर दो पर्सन थे इसलिए दोनों के आगे क्या था, आर्टिकल था, द और द। ठीक है, तो दो आर्टिकल का मतलब हो गया कि दोनों जो पर्सन है वो अलग अलग हैं। जबकि इस सेंटेंस में क्या है कि द किसके आगे, सिर्फ नरेटर के आगे, जबकि पोएट के आगे कुछ भी नहीं है। क्या लिखा हुआ है, द नरेटर एंड पोएट, यही लिखा हुआ है फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही व्यक्ति है जो नरेटर भी है और पोएट भी है। क्योंकि पोएट के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि पोएट कौन है, नरेटर ही है। मतलब एक ही पर्सन नरेटर भी है और पोएट भी। और जब एक ही पर्सन है मतलब एक ही सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया यहाँ पे वर्ब सिंगुलर क्यों आया, क्योंकि नरेटर और पोएट एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि देखिए नरेटर के आगे आर्टिकल यूज किया गया है, जबकि पोएट के आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया गया है। अगर आर्टिकल यूज हुआ होता इसका मतलब नरेटर और पोएट अलग अलग होते, क्योंकि आर्टिकल यूज नहीं किया गया है इसलिए नरेटर और पोएट एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये एक्सेप्शन क्या है। ऐसे दूसरा देख लीजिए, ब्रेड एंड बटर इज, देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी कैसा वर्ब है, सिंगुलर, हिज ब्रेकफास्ट। ठीक है, क्योंकि ब्रेड एंड बटर एक ही थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे ब्रेड बटर हो गया, ब्रेड जैम हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाइन, तो इसलिए वर्ब कैसा है, सिंगुलर वर्ब है इज, क्योंकि सब्जेक्ट भी हमारा कैसा है, सिंगुलर। तो समझ में आया फ्रेंड्स, इन अ नटशेल मैं आपको बताऊं कि अगर दोनों सब्जेक्ट्स के आगे आर्टिकल लगा है इसका मतलब दोनों सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, और अगर आर्टिकल नहीं लगा है इसका मतलब दोनों सब्जेक्ट्स एक ही हैं, और आप वर्ब कैसा यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला रूल आपको शायद क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ है, और ऐसे ही मैं आपको आज कुछ अच्छे रूल्स बताने वाला हूँ जिनकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा और अगले वीडियो में हम उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे जो भी एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए आप पहला वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और समझिए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइन, मेरी पेस बहुत धीरे रहेगी ताकि जो लोग नए हैं या जो लोगों को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती उनको भी समझ में आ जाए। फाइन, तो चलिए आई होप आपको ये पहला रूल क्लियर हो गया होगा। चलिए सेकेंड रूल पर चलते हैं। देखिए सेकेंड रूल क्या कह रहा है, द वर्ब यूज विद और, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एग्रीज विद द नाउन प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू इट। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, अब बस आपको ये वर्ड्स ध्यान रखने हैं, कौन कौन से, एक तो और, दूसरा आइदर और, तीसरा नाइदर नॉर, चौथा नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ दो सब्जेक्ट यूज होंगे। इस टॉपिक में आपको दो सब्जेक्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, दो से कम तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ठीक, तो दो सब्जेक्ट्स हैं। फाइन, और अगर आपको ये वर्ड दिख जाए तो उनके साथ जो नाउन मतलब जो भी वर्ब आएगा वो किसके साथ आएगा, किसके मतलब किसके अकॉर्डिंग आएगा, जो भी नाउन और प्रोनाउन उसके पास होगा। लिखा है ना क्लोजेस्ट टू इट, मतलब जो भी नाउन या प्रोनाउन उस वर्ब के नज़दीक होगा वर्ब उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, नाइदर द प्लेट्स नॉर दी सर्विंग वॉल। देखिए यहाँ पे नाइदर नॉर का यूज हुआ है। ठीक, तो आपको दो सब्जेक्ट मिल गए, एक है कौन सा, द प्लेट्स, और दूसरा कौन सा है, द सर्विंग बाउल। ठीक, तो आपको दो सब्जेक्ट्स मिल गए, एक है द प्लेट्स, दूसरा है सर्विंग बाउल। अब सेंटेंस पढ़िए, नाइदर द प्लेट्स नॉर द सर्विंग बाउल। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला है, गोस या गो ऑन डैट शेल्फ, मतलब अब वर्ब आपको बताना है कि गोज आएगा कि गो आएगा। ठीक है, रूल ये था कि जो वर्ब है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो भी नाउन और प्रोनाउन उसके पास होगा। ठीक है, क्लोजेस्ट टू इट लिखा है ना, तो देखिए यहाँ पे गोज और गो के नज़दीक कौन सा नाउन या प्रोनाउन है, कौन सा है, द सर्विंग बॉल, मतलब जो वर्ब है वो इस सर्विंग बॉल के अकॉर्डिंग ही आएगा। अब देखिए सर्विंग बॉल कैसा है, प्लूरल है कि सिंगुलर है, ये सिंगुलर है ना। ठीक, सर्विंग बॉल मतलब एक ही बॉल की बात हो रही है, तो ये है सिंगुलर, इसका मतलब जो आपका वर्ब आएगा वो भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक, सिंगुलर वर्ब ही आएगा, और गोज और गो में से सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है बताइए फ्रेंड्स, कौन सा होता है, गो नहीं फ्रेंड्स, गोज सिंगुलर वर्ब होता है, गो क्या होता है, प्लूरल, तो यहाँ क्या जाएगा, गोज ऑन डैट शेल्फ। फाइन,
देखिए फ्रेंड्स, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा गो और गोज में. उनको लग रहा होगा गोज प्लूरल है और गो क्या है सिंगुलर, लेकिन ऐसा नहीं है. मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ आप कैसे याद कर सकते हो. देखिए नाउन और सपोज नाउन है और प्रोनाउन है, ठीक, प्रोनाउन. अगर ये सिंगुलर हैं तो इनके बाद एस और ई एस नहीं आएगा, और इनको अगर प्लूरल बनाना है तो इनके पीछे एस या ई एस ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएंगे, प्लूरल बन जाएंगे. ठीक, जैसे देखिए प्लेट है सिंगुलर, प्लेट सिंगुलर होता है ना, अगर उसके पीछे एस जोड़ दिया क्या बन जाएगा, प्लेट्स, और वो क्या हो जाएगा, प्लूरल. फाइन, तो नाउन और प्रोनाउन को जब भी आपको प्लूरल बनाना है तो क्या जोड़ दीजिए, एस और ई एस. ऐसी वर्ब को, अब वर्ब इसका जस्ट उल्टा होता है, अगर आप वर्ब में एस या ई एस ऐड कर दोगे तो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा. क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा. नाउन और प्रोनाउन का जस्ट उल्टा होता है वर्ब के साथ. देखिए जैसे है गो, ठीक, अब गो में क्या ऐड कर दो, ई एस लगा दो, क्या बन गया, गोज. अब गोज क्या हो गया, सिंगुलर फॉर्म, और गो क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म. ठीक, तो वर्ब के साथ जस्ट उल्टा होता है, अगर आप वर्ब में एस या ई एस ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा. ठीक, तो यही है, देखिए गो क्या होता है, प्लूरल, और गोज क्या हो जाता है, सिंगुलर, क्योंकि आपका जो सर्विंग बाउल है ये सिंगुलर है, तो आपका वर्ब क्या आ जाएगा, गोज आएगा, जबकि गो नहीं आएगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही कॉमन एरर है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलती ही मिलती है. तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. चलिए सेकंड स्टेटमेंट देख लीजिए क्या कह रहा है, नाइदर द सर्विंग बॉल नॉर द प्लेट्स. अब बताइए गोज आएगा कि गो, ऑन डैट शेल्फ. अब कौन सा नियरेस्ट इसके नाउन है या प्रोनाउन है, अब आ गई द प्लेट्स, है ना, वर्ब के सबसे नियरेस्ट कौन सा है, द प्लेट्स, और प्लेट्स कैसा है, प्लूरल, तो प्लूरल है तो उसके साथ क्या आ जाएगा, गो आ जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आया कि जब भी आपको ऐसे वर्ड्स दिखे, और आइदर और नाइदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो, तब आपको क्या करना है, आप ऐसे समझ लीजिए कि जो भी सेकेंड आएगा नाउन या प्रोनाउन, मतलब जो भी सेकेंड सब्जेक्ट होगा वर्ब उसके अकॉर्डिंग ही आएगा. ठीक, ये पहला सब्जेक्ट है आपका, है ना, ये पहला सब्जेक्ट है और ये दूसरा, तो जो भी दूसरा सब्जेक्ट होगा वर्ब उसके अकॉर्डिंग ही आएगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा. चलिए अब नेक्स्ट रूल पर चलते हैं. देखिए नेक्स्ट रूल क्या कर रहा है, ईच एवरी आइदर नाइदर. ये वर्ड्स ऐसे हैं फ्रेंड्स जिसको आपको बहुत ध्यान से देखना है. कौन से चार वर्ड्स, ईच एवरी आइदर और नाइदर. इनका रूल क्या कहता है कि जब भी आपको ये चार वर्ड सेंटेंस में दिख जाए तो सेंटेंस कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो ईच एवरी आइदर नाइदर टेक सिंगुलर वर्ब, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है कि ईच एवरी आइदर नाइदर जब भी सेंटेंस में आएंगे तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर ही होगा. फाइन, अब देखिए नाउन के साथ थोड़ा सा खेल है कि इनके साथ अगर नाउन लगा होगा तो नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा. अब ये डिपेंड करता है, देखिए फ्रेंड्स अगर वर्ड, वर्ड मतलब ईच एवरी आइदर नाइदर, उसके साथ सीधा सीधा सब्जेक्ट जुड़ा है, मतलब सीधा सीधा नाउन या प्रोनाउन जुड़ा है, तो आपका नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा. ठीक, अगर सीधा ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट मैंने बताया था क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, तो इनके बाद अगर सीधा नाउन या प्रोनाउन आ गया तो वो नाउन या प्रोनाउन कैसा होगा, सिंगुलर फॉर्म का होगा. लेकिन अगर ईच एवरी आइदर नाइदर के साथ ऑफ द जुड़ गया, क्या जुड़ गया फ्रेंड्स, ऑफ द, तब आपका नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा. ये फ्रेंड्स बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है और इस पे आपको बहुत सारे एरर्स देखने को मिलेंगे, है ना. एग्जाम में यही होता है ना कि हम सेंटेंस पूरा पढ़ लेते हैं, हमें लगता है कि सेंटेंस तो पूरा सही है यार, कुछ गड़बड़ है ही नहीं, लेकिन फ्रेंड्स ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको एरर, मतलब समझ रहे हो ना कि छोटी छोटी बातें ही फंसा देती हैं एग्जाम में, और इन्हीं छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होता है. फाइन, तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, एवरी. मैंने बताया था कि वर्ब कैसा होगा, हमेशा सिंगुलर होगा, लेकिन नाउन पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है. अब देखिए एवरी के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है, बॉय, है ना, ऑफ द तो नहीं लगा हुआ ना, क्या लगा हुआ है, बॉय. बॉय क्या होता है, सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट लगा हुआ है, मतलब सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा. तो जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन है वो कैसा होगा, सिंगुलर. तो देखिए बॉय सिंगुलर ही है और गर्ल भी कैसा है, सिंगुलर ही है, मतलब ये सेंटेंस कैसा है, करेक्ट. तो एवरी बॉय एंड गर्ल, अब बताइए क्या आएगा, वॉज की वर रेडी. तो देखिए एवरी है, ठीक, उसके बाद क्या जुड़ा हुआ है, सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, मतलब नाउन जुड़ा हुआ है, और नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर,
दोनों नाउन सिंगुलर है, बॉय भी गर्ल भी, ठीक। अब मैंने क्या बताया, वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर ही होगा, और सिंगुलर वर्ब क्या होता है, वॉज। तो क्या जाएगा, एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया कि जब भी आपको ईच एवरी आइदर नाइदर दिखे तो आपका वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा, बस ध्यान क्या रखना नाउन का। तो आप देख लीजिएगा, अगर इस वर्ड के बाद सीधा सब्जेक्ट आ गया तो सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर, अगर सीधा सब्जेक्ट नहीं आया, अगर ऑफ द लगा होगा तो सब्जेक्ट कैसा आएगा, प्लूरल। ठीक, तो ये मैं फ्रेंड्स अभी आपको सिर्फ रूल बता रहा हूँ, और इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट टर्न पे जरूर करेंगे, ठीक है ना। उस इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड मैं आपको इतने क्वेश्चंस करा दूंगा कि आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। फाइन फ्रेंड्स, तो आई होप आपको थर्ड रूल भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है, द वर्ब यूज्ड विद, अब देखिए कौन से फ्रेंड्स वर्ड्स आ गए, अलोंग विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, टुगेदर विद, तो उसमें क्या होता है, एग्रीज विद द फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने सेकंड रूल पढ़ा था ना, जिसमें था और, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, उसमें मैंने बताया था कि जो भी सेकंड नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, ठीक है। बस अब ये जो फोर्थ रूल है उसका उल्टा है, इसमें उन वर्ड्स को छोड़कर जो भी वर्ड्स बचे, जैसे अलॉन्ग विद, एज वेल एज, आपको ऐसे याद करना है कि जो सेकंड रूल में हमने वर्ड्स याद किए और से रिलेटेड, और, नाइदर और, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक, उनके अलावा जो वर्ड्स बचे जैसे अलॉन्ग विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, टुगेदर विद, इसमें जो वर्ब होगा वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। किसके अकॉर्डिंग आएगा, फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखना इजी हो गया ना, तो बस आप सेकंड रूल याद कर लीजिए, उसके अलावा जितने भी वर्ड्स हैं जिसमें दो सब्जेक्ट आते हैं उनमें क्या आएगा, फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आपका वर्ब लगेगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एक्साइटमेंट एज वेल एज, देखिए आपको वर्ड क्या मिल गया, एज वेल एज, एंड नर्वसनेस, ठीक, तो दो सब्जेक्ट आ गए आपके, कौन कौन से, एक्साइटमेंट और नर्वसनेस, तो एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस, अब बताइए क्या आएगा, इज की आर द कॉज ऑफ हर शेकिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, दो सब्जेक्ट हैं, लगा क्या है वर्ड, एज वेल एज, इसमें पहला सब्जेक्ट है एक्साइटमेंट, दूसरा क्या है, नर्वसनेस, और इसमें रूल क्या कहता है कि जो भी आपका वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। फर्स्ट सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। अगर पहला सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो क्योंकि सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर, मतलब इज। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस इज द कॉज ऑफ हर शेकिंग। ठीक, यही होता है ना एग्जाम में कि हम एक्साइटेड भी होते हैं और नर्वस भी होते हैं, इसलिए हमारे साथ क्या होता है, शेकिंग हो जाती है ना। तो बस यही सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आया कि ये रूल क्या कहता है कि आपका जो भी वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट ही आएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। क्या कहता है, पैरेंथेसिस इज नॉट दी पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। फ्रेंड्स ये बात आप बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लीजिए, क्योंकि देखिए पैरेंथेसिस का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट्स। ऐसा एग्जाम्पल देखिए, रघु, अब देखिए ब्रैकेट्स लगे हुए हैं ना, ये ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, एंड हिज ट्रस्टी राम। ठीक, अब ये देखिए ये जो पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस मतलब ये, ठीक, ब्रैकेट, इसके अंदर जो भी चीज लिखी है वो आपका सब्जेक्ट नहीं होगी। तो यहां पे जो भी लिखा है एंड हिज ट्रस्टी राम, इसको आपको क्या करना है, इग्नोर, ये आपका कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट क्या है, सिर्फ रघु। तो रघु एंड हिज ट्रस्टी राम वॉज ऑलवेज वेलकम, तो यहां पे सब्जेक्ट कैसा है, देखिए सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब भी लिखा हुआ है वॉज, तो इसका मतलब सेंटेंस कैसा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बताने का मतलब मेरा यही था कि जो भी आपका ब्रैकेट्स में लिखा होगा वो आपका सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करेंगे, रघु देखेंगे, राम देखेंगे, लगेगा दो सब्जेक्ट है और साथ में एंड भी लगा हुआ है, और मैंने बताया था कि जब भी एंड लगा होगा वर्ब कैसा होगा, प्लूरल, तो क्या करेंगे, वॉज को काट के वर्ब लिख देंगे, मतलब एरर बता देंगे कि इसमें एरर है, जबकि ऐसा नहीं है। तो आपको ये इग्नोर करना है, जो भी पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है ये क्या है, इग्नोर करिए। तो आपका सब्जेक्ट कैसा है, एक ही सब्जेक्ट है, वो भी कैसा है, सिंगुलर, तो जो आपका वर्ब आएगा वो भी कैसा आएगा, सिंगुलर ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। तो अभी तक मैंने आपको पांच रूल बताए और पांच रूल आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, बस ये बिल्कुल बेसिक्स है, अगर आप मेरे सिर्फ वीडियोज ही देख लो, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे सिर्फ वीडियोज भी देखोगे ना, तो आई होप आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस कवर भी हो जाएगा, साथ ही साथ आपका एग्जाम में कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगा। बस शर्त एक ही है कि आपको ये रूल्स बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए,
और इनकी इतनी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप एक बार सेंटेंस पढ़ते ही समझ जाएं कि एरर कहाँ होगा, और इसकी प्रैक्टिस मैं आपको ज़रूर कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं कि नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट रूल, विद वर्ड्स डैट इंडिकेट पोर्शन। ठीक, कैसे, मतलब कौन से वर्ड्स, अलॉट, अ मेजोरिटी, सम, ऑल, एसेट्रा, द वर्ब फॉलोज द नाउन और प्रोनाउन आफ्टर ऑफ। देखिए फ्रेंड्स, इस रूल से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब देखो कई लोग क्या होंगे, सब्जेक्ट पहचाने में कई लोगों को दिक्कत होती है, ठीक, उनके लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि 95% सेंटेंसेस में जो भी ऑफ है, ठीक है, ऑफ वर्ड से पहले जो भी वर्ड लिखा होगा वही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक, वही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो देखिए एग्जाम्पल की बात करूँ तो एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, द लिस्ट ऑफ आइटम्स, ठीक है, क्या है, द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज केप्ट ऑन द टेबल। ठीक है, ये आपके आगे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया कि द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज केप्ट ऑन द टेबल। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कई लोग कन्फ्यूजन हो गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होगा, लिस्ट होगा कि आइटम्स होगा। देखिए फ्रेंड्स, उस कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ कि देखिए आपका ऑफ लिखा हुआ है, 95% केसेस में जैसे मैंने कि बताया कि ऑफ से जो पहले लिखा होगा वही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या होगा, लिस्ट होगा, ना कि आइटम्स। फाइन, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, लिस्ट, और लिस्ट कैसा है, सिंगुलर, इसलिए जो मैंने आपका वर्ब यूज़ किया है वो भी कैसा है, सिंगुलर ही है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब कई लोग क्या है, आइटम्स को देख के वर्ब लगा देंगे, वो क्या हो जाएगा, गड़बड़। ठीक, वो गड़बड़ हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो समझाया फ्रेंड्स कि ऑफ से पहले जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्ब आएगा, ऐसा 95% केसेस में ट्रू होता है। अब उसी का एक्सेप्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपके जो वर्ड्स हैं जैसे कि अलॉट, ठीक, ऐसे वर्ड्स जो कोई पोर्शन इंडिकेट करते हैं, है ना, अलॉट, मेजॉरिटी, सम, ऑल, अ फ्रैक्शन, ठीक, ऐसे वर्ड्स जो पोर्शन इंडिकेट करते हैं, उसके साथ जो वर्ब आएगा वो उस नाउन और प्रोनाउन को फॉलो करेगा जो ऑफ के बाद लिखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बस आपको इसी वर्ड्स का थोड़ा सा ध्यान देना है जो कि ये पोर्शन इंडिकेट करते हैं, फाइन, वरना ऑफ से पहले वाला ही वर्ब होगा। ठीक, मतलब जो भी ऑफ सब्जेक्ट होगा ऑफ से पहले वर्ब उसी को फॉलो करेगा। फाइन, एग्जाम्पल देखिए, अ लॉट ऑफ द पाई हैज डिसअपीयर्ड। देखिए फ्रेंड्स, आपको वर्ड क्या मिल गया, अलॉट, ठीक, अलॉट मतलब पोर्शन बता रहा है, फाइन। तो देखिए, अ लॉट ऑफ द पाई हैज डिसअपीयर्ड, अब ये है ऑफ, ठीक, अब ऑफ के बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्ब आएगा, यही कह रहा ना आपका रूल कि जो ऑफ के बाद जो भी आपका नाउन और प्रोनाउन है वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो देखिए नाउन और प्रोनाउन क्या लिखा हुआ ऑफ के बाद, पाई, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, पाई हो गया, ओके, और पाई कैसा है, सिंगुलर, इसलिए आपका जो वर्ब यूज हुआ हैज यूज हुआ है, ठीक, और वर्ब भी कैसा है आपका, सिंगुलर, हैज, ठीक, अगर प्लूरल होता पाई की जगह कोई और प्लूरल वर्ब होता तो वहां पे क्या लिख देते, हैव लिख देते। ठीक है, तो आपका क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी कैसा आया, सिंगुलर। फाइन, ऐसी अगला एग्जांपल देख लीजिए, अ थर्ड ऑफ द सिटी इज अनएम्प्लॉयड। देखिए अ थर्ड, ये आपका नंबर बता रहा है ना, पोर्शन बता रहा ना कि एक थर्ड, 1/3, ठीक, अ थर्ड का मतलब क्या होता है, 1/3, और ये क्या बता रहा है, पोर्शन। तो देखिए, तो पोर्शन बता रहा है तो आपका जो सब्जेक्ट होगा वो किसके बाद आएगा, ऑफ, तो ऑफ के बाद कौन सब्जेक्ट लिखा हुआ है, द सिटी, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, द सिटी हो गया, और द सिटी कैसा है, सिंगुलर है, तो आपका वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर ही आएगा, और आया क्या हुआ, इज, तो ये मतलब सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर सिटी की जगह सिटीज होता तो आपका वर्ब कैसा हो जाता, आर हो जाता। ठीक, तो ऑफ के बाद जो भी सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्ब लगेगा। समझाया फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये रूल भी क्लियर हो गया होगा। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, अ थर्ड ऑफ द पीपल आर अनएम्प्लॉयड। फिर से देखिए, अ थर्ड है, अ थर्ड मतलब आपको फ्रैक्शन बता रहा है, ठीक, मतलब पोर्शन बता रहा है, तो ऑफ के बाद जो भी सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्ब आएगा। सब्जेक्ट क्या है, द पीपल, और फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो पीपल होता है ये प्लूरल होता है, सिंगुलर नहीं होता, तो जितने भी लोग समझते हैं कि पीपल मतलब सिंगुलर होता है वो गलत है। तो आप इसको अपनी नोटबुक में कहीं लिख लो कि पीपल वर्ड मतलब प्लूरल, ठीक, साउंड भले ही सिंगुलर कर रहा है लेकिन इसका मतलब हमेशा प्लूरल ही निकलता है, तो पीपल मतलब प्लूरल।
आपको मैं ऐसे वर्ड्स बता दूंगा कि जो सिंगुलर फॉर्म के हैं लेकिन उनका मतलब कैसा होता है, प्लूरल होता है. तो घबराइए मत, नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें आपको ऐसे वर्ड्स भी कराऊंगा कि जिनका मतलब तो मतलब जो सिंगुलर दिखते हैं लेकिन होते क्या है, प्लूरल. जैसे कि पीपल, तो ये प्लूरल होता है. इसलिए जो आपका वर्ब आया है ये भी कैसा आया, प्लूरल फॉर्म का आया है. ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आप एक चीज़ याद रखिएगा कि 95% केसेस में जो ऑफ से पहले लिखा होगा वही आपका सब्जेक्ट होगा. लेकिन अगर आपके कोई पोर्शन इंडिकेट हो रहा है जैसे अलॉट, अ मेजॉरिटी, सम, ठीक, तो उस केस में जो ऑफ के बाद वर्ड होगा वही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा. तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है. ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये भी रूल क्लियर हो गया होगा. चलिए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं. अब फ्रेंड्स, अब जो रूल्स आने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट. ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इन्हीं रूल पे आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं. और ऐसे वर्ड्स हैं ये कि अगर आपने इनको समझा नहीं तो आपका 100% आंसर गलत होने वाला है. ठीक है, तो इसलिए मैं इसको डबल टिक कर रहा हूँ और आप भी अपनी नोटबुक में इसको बहुत ही अच्छे से लिखिएगा, मतलब डिफरेंट पेन से हो सके तो लिख लीजिएगा. फाइन, देखिए, अगर आपका सेंटेंस में मैनी आ या मोर देन आए, ठीक, क्या है, मैनी आ या मोर देन, अगर आपका सेंटेंस इनसे स्टार्ट हो रहा है, मैनी आ से या मोर देन से, दोनों एक ही जैसे हैं, तब क्या होगा, आपका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा और नाउन भी कैसा होगा, सिंगुलर ही होगा. मतलब अगर सेंटेंस मैनी आ या मोर देन से स्टार्ट हो रहा है तब आपके वर्ब और नाउन दोनों ही कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे. ठीक, ऐसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पहला एग्जाम्पल देखिए, मैनी अ, ठीक, सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, मैनी आ, मतलब आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि आपका वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर, और नाउन भी कैसा होगा, सिंगुलर. ठीक, तो देखिए क्या लिखा हुआ, मैनी आ सोल्जर्स हैव मेट हिज डेथ ऑन द बैटल फील्ड. फाइन, तो देखिए मैनी आ के बाद आपको ये दिखा सब्जेक्ट, ठीक, ये क्योंकि क्या है, आपका नाउन है और ये आपका कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन कैसा लिखा हुआ है, प्लूरल. तो मतलब आपको पहली मिस्टेक यही मिल गई कि यहाँ सोल्जर्स नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सोल्जर, ठीक, सिंगुलर. क्योंकि मैंने आपको रूल बताया कि अगर मैनी आ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर, और नाउन भी कैसा होगा, सिंगुलर. तो देखिए मिस्टेक यही मिल गई कि मैनी आ सोल्जर्स नहीं होगा, क्या होगा, सोल्जर होगा. अब देखिए वर्ब कैसा, नाउन कैसा है, सिंगुलर, तो जब आपका वर्ब यूज होगा ये भी कैसा होगा, सिंगुलर, तो हैव की जगह पे क्या आएगा, हैज आएगा. ठीक, क्योंकि मैंने बताया था कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर, तो हैव की जगह क्या आएगा, हैज मेट हिज डेथ ऑन द बैटल फील्ड. आगे बिल्कुल सही है. ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आया कि जब भी आपका सेंटेंस मैनी आ या मोर देन से शुरू होगा तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा और नाउन भी सिंगुलर होगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. अब इसका दूसरा भाई, अ ग्रेट मैनी, क्या, अ ग्रेट मैनी, तो जैसे ही आप देख सकते हैं अ ग्रेट मैनी मतलब बहुत ज़्यादा, तो आप खुद ही समझ लीजिए, एक हिंट समझ लीजिए कि अ ग्रेट मैनी मतलब आपका वर्ब कैसा होगा, प्लूरल, और नाउन भी कैसा होगा, प्लूरल. तो अ ग्रेट मैनी में क्या आएगा, दोनों चीज़ें प्लूरल हो जाएंगी. तो एग्जाम्पल देखिए, अ ग्रेट मैनी, ठीक, अब आपको क्या चेक करना है कि नाउन भी प्लूरल होना चाहिए और वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए. अब क्या लिखा हुआ, पीपल, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक, और सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, क्योंकि मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था, मतलब पिछले रूल में, कि पीपल ऑल्दो सिंगुलर है, पढ़ने में सिंगुलर, लेकिन इसका मतलब कैसा होता है, प्लूरल. तो देखिए आपका नाउन कैसा है, प्लूरल, मतलब ये सही है. तो अ ग्रेट मैनी पीपल, अब देखिए ये वर्ब है, प्लूरल था आपका सब्जेक्ट, तो वर्ब भी कैसा लिखा हुआ, प्लूरल, मतलब वर्ब भी सही है, प्रेजेंट एट द मीटिंग, मतलब ये सेंटेंस पूरा सही है. ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको चेक क्या करना है, जब भी एग्जाम में क्या होगा, आपको ऐसे वर्ड्स दिख जाए, मतलब आपको मैनिया दिख जाए या मोर देन दिख जाए, तो आप क्या तुरंत चेक करोगे, आप वर्ब और नाउन चेक करोगे, सबसे पहले यही चेक करोगे, क्योंकि एरर यहीं पे मिलेगा. ऐसे अगर सेंटेंस आपको ग्रेट मैनी दिख जाए, अ ग्रेट मैनी अगर आपको दिख जाए, तो आप क्या चेक करोगे, वर्ब और नाउन चेक करोगे. ठीक है, क्योंकि 99% केसेस में आपको या वर्ब में एरर मिलेगा या नाउन में एरर मिल जाएगा. ठीक है, बस ऐसे छोटे छोटे हिंट ही आपको एग्जाम में पहचानने होते हैं. फाइन, तो आई होप आपको ये भी रूल क्लियर हो गया होगा. चलिए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं. अब फ्रेंड्स, ये भी रूल उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि पिछला रूल इम्पॉर्टेंट था. देखिए क्या कह रहा है, ये तीन आपके अगर स्टार्टिंग में दिख गए आपको, ये तीन मैंने आपको ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जो सेंटेंस स्टार्टिंग में आ सकते हैं, कौन कौन से, अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ,
या सिर्फ नंबर ऑफ लिखाओ। तो इन तीनों में से अगर कोई भी लिखा हो, ठीक है, तब आपका वर्ब कैसा आएगा? अकॉर्डिंग टू दी नाउन आएगा। मतलब अगर आपका सेंटेंस अ नंबर ऑफ से शुरू हो रहा है, या आपका सेंटेंस अ लार्ज नंबर ऑफ से शुरू हो रहा है, या सिर्फ नंबर ऑफ से शुरू हो रहा है, इन तीनों में से कोई भी अगर एक से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो आपका वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? नाउन के। मतलब अगर नाउन सिंगुलर है, अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। और अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया कि जो वर्ब है वो नाउन को फॉलो करेगा। कब करेगा? जब इन तीनों में से किसी एक से सेंटेंस स्टार्ट होगा। फाइन। और इसका उल्टा, अगर द नंबर ऑफ से शुरू हो, फ्रेंड्स डिफरेंस कहाँ पे है? द में। ठीक, कि अगर सेंटेंस द नंबर ऑफ से शुरू होगा तब क्या होगा? वर्ब सिंगुलर होगा, लेकिन नाउन क्या होगा? प्लूरल। फ्रेंड्स यही सबसे बड़ा एक्सेप्शन है, क्योंकि अभी तक हमने यही पढ़ा है कि अगर वर्ब सिंगुलर, नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, यही पढ़ा ना अभी तक। लेकिन इस केस में क्या हो गया? वर्ब तो सिंगुलर है लेकिन नाउन कैसा है? प्लूरल। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ, सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? द नंबर ऑफ। तो आपको क्या स्ट्राइक होना चाहिए? कि वर्ब सिंगुलर होगा और नाउन कैसा होगा? प्लूरल। देखिए, द नंबर ऑफ क्या लिखा हुआ है? एब्सेंटीज। तो यही आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्योंकि मैंने आपको पिछले ही थोड़े रूल में बताया था, सिक्स रूल में बताया था ना, कि जब भी आपको कोई पोर्शन बताया तो ऑफ के बाद वाला क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है, बताया था ना सिक्स रूल में। तो वही लिखा है कि द नंबर ऑफ, ऑफ के बाद वाला आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक, अब देखिए सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? प्लूरल। तो देखिए एब्सेंटीज कैसा है? प्लूरल ही लिखा हुआ है, मतलब आपका नाउन जो है बिल्कुल ठीक है, प्लूरल फॉर्म का है। और वर्ब कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। अब वर्ब चेक कर लीजिए, तो द नंबर ऑफ एब्सेंटीज आर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वर्ब कैसा गिवन है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है ना, मतलब मिस्टेक कहाँ मिल गई? यही मिल गई। आर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इज, क्योंकि रूल क्या कहता है? कि नाउन प्लूरल होना चाहिए लेकिन वर्ब कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ एब्सेंटीज इज राइजिंग दिस ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर क्या आ जाएगा? इज। तो यही आपको क्या मिल जाएगा? एरर। ठीक है फ्रेंड्स, ये रूल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और आपको आई होप ये भी रूल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं कि नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये रूल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंने बताया ना कि जो मैं रूल सिक्स रूल के बाद से डिस्कस कर रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन रूल्स को प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा, या ओवर, मतलब कहते हैं ना ऊपर ऊपर से मत देखिएगा, इसको एक बार समझ लीजिए कि रूल क्या कह रहा है। देखिए अगला रूल क्या कह रहा है, अगर किसी सेंटेंस में एक ऑक्सिलरी और दो मेन वर्ब्स हो तो क्या करेंगे? ठीक है, क्या हो? एक ऑक्सिलरी वर्ब हो और दो मेन वर्ब्स हो। देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? ठीक, अब कई लोगों को पता नहीं चल रहा होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे हैज, हैव, बी, ठीक, इज, आर, ये सब क्या है? हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ठीक है, हैज है, बी है, बींग है, ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स, इनको हम ऑक्सिलरी भी कहते हैं। फाइन, तो सेंटेंस क्या रूल क्या कहता है? कि अगर आपके सेंटेंस में एक ऑक्सिलरी है और दो मेन वर्ब्स हैं, तब आपको क्या करना है? कि आपको दोनों मेन वर्ब्स के साथ एक एक ऑक्सिलरी वर्ब लगा देना है। ठीक है, क्या करना है? कि आपको दोनों मेन वर्ब्स के साथ एक एक ऑक्सिलरी लगानी ही लगानी है, और वो ऑक्सिलरी आपके वर्ब के ऊपर डिपेंड करेगी। जिस फॉर्म में वर्ब होगा उसी फॉर्म में ऑक्सिलरी होगी। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे क्या कह रहा है, 25 कैंडिडेट्स हैव पास्ड एंड वन फेल्ड। क्या कह रहा है? 25 कैंडिडेट्स हैव पास्ड एंड वन फेल्ड। देखिए आपके दो वर्ब्स हैं, एक तो है पास्ड और दूसरा क्या है? फेल्ड। ठीक, दो चीजें लिखी ना, एक पास और दूसरा फेल। देखिए पास से पहले आपके पास क्या लगा हुआ हैव, और हैव क्या होता है? ऑक्सिलरी। ठीक, पास से पहले आपके पास क्या लिखा हुआ है? एक ऑक्सिलरी वर्ब लगा हुआ हैव, लेकिन फेल्ड से पहले देखिए कोई भी ऑक्सिलरी नहीं लगा हुआ। मतलब इस सेंटेंस में दो वर्ब हैं लेकिन एक ही ऑक्सिलरी है। तो मैंने क्या कहा है
कि जब भी आपके सेंटेंस में एक ऑक्सिलरी और दो मेन वर्ब्स होंगे तब आपको क्या करना है कि दोनों मेन वर्ब्स के साथ एक एक ऑक्सिलरी लगानी है। तो देखिए पास्ट के साथ तो ऑलरेडी एक ऑक्सिलरी है, किसके साथ लगानी है अब आपको? फेल के साथ, मतलब आपको यहाँ पे एक ऑक्सिलरी वर्ब इंसर्ट करना होगा, ठीक है? और वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? वर्ब के अकॉर्डिंग आएगा। तो क्या कह रहा है? 25 कैंडिडेट्स हैव पास्ड एंड वन हैज फेल्ड। क्या आएगा? हैज आएगा, ठीक। क्यों हैज आएगा? देखिए आपको जो पहला ऑक्सिलरी था वो क्या था? हैव। हैव किस टेंस में आता है? प्रेजेंट टेंस में आता है। तो मतलब आपका जो सेकंड ऑक्सिलरी होगा वो भी प्रेजेंट टेंस में ही होगा, ठीक। ये क्लियर हुआ कि टेंस कौन सा आएगा? प्रेजेंट आएगा कि पास्ट? प्रेजेंट आएगा, क्योंकि आपका पहला ऑक्सिलरी भी प्रेजेंट है। ओके, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ वन की बात हो रही है। वन मतलब सिंगुलर, है ना? वन मतलब क्या होता है? सिंगुलर। इसलिए हमने क्या यूज़ किया? हैज़ यूज़ किया। अगर वन से ज़्यादा होता, मतलब प्लूरल होता, तो हम क्या यूज़ करते? हैव यूज़ करते, ठीक है फ्रेंड्स? तो समझ में आया आपकी दूसरी ऑक्सिलरी कैसे आएगी? तो टेंस वही होगा जो आपका पहली ऑक्सिलरी का है, और फॉर्म किसके अकॉर्डिंग होगा? जो आपका वर्ब है, ठीक। तो आप देखिए कि सेकंड वर्ब जो था सिंगुलर था, इसलिए हमने क्या है? सिंगुलर ऑक्सिलरी यूज की, ठीक है फ्रेंड्स? तो इस सेंटेंस में एरर कहाँ था? ये लास्ट पार्ट में एरर था। इस पार्ट में क्या था? एरर। और एरर क्या था? कि वहां पे हमने ऑक्सिलरी नहीं लिखी हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स? तो आपको समझ में आया कि अगर आपको एग्जाम में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कुछ, तो उसका आंसर क्या होगा? तो बस ये रूल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, फाइन। तो चलिए, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। और इसी का उल्टा सेकेंड टेंथ रूल क्या कह रहा है? अगर दो ऑक्सिलरी और सिर्फ एक मेन वर्ब हो तब क्या करेंगे? कि हम दोनों ऑक्सिलरी के साथ एक एक मेन वर्ब सप्लाई करेंगे, ठीक। बस वही रूल है, नाइन्थ का मॉडिफाइड फॉर्म लिखा हुआ टेंथ। एग्जाम्पल देखिए, शी हैज नेवर एंड विल नेवर डू दिस। शी हैज नेवर एंड विल नेवर डू दिस। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास एक ही मेन वर्ब है डू, ये आपका क्या है? वर्ब है, ठीक है। अब देखिए, एक आपके पास विल लिखा हुआ है, ठीक। इस वर्ब के सपोर्टिंग में क्या है? विल। ये आपका क्या है? ऑक्सिलरी है, ठीक है। ऐसी दूसरी ऑक्सिलरी आप देखिए क्या लिखी हुई है? हैज, ठीक। ये क्या है? ये सेकेंड ऑक्सिलरी है, हैज। तो देखिए आपका इस सेंटेंस में दो दो ऑक्सिलरी हैं, एक हैज और एक विल, और वर्ब क्या है? एक ही है, डू। इसका मतलब क्या हुआ? इस सेंटेंस में एरर है। और एरर क्या है? कि आपको पहली ऑक्सिलरी के साथ भी एक वर्ब सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, शी हैज नेवर एंड विल नेवर डू दिस। तो आपका जो पहला वर्ब आएगा वो भी डू का ही एक फॉर्म आएगा, ठीक है, क्योंकि मेन वर्ब आपका डू है, तो यहाँ पे भी डू का कोई फॉर्म आएगा। तो शी हैज नेवर डन, ठीक है, क्योंकि उसने कभी नहीं किया और ना ही आगे कुछ फ्यूचर में ऐसा करेगी। तो शी हैज नेवर डन एंड विल नेवर डू दिस, ठीक है फ्रेंड्स। तो समझ में आया यहाँ पे एरर क्या था? कि जब भी आपको दो ऑक्सिलरी दिखे और एक ही मेन वर्ब दिखे तो आपको क्या करना है? दोनों ऑक्सिलरी के साथ एक एक वर्ब होना चाहिए, फाइन। और वर्ब क्या होगा? जो आपका एक वर्ब गिवन होगा उसी के फॉर्म का दूसरा वर्ब भी होगा। तो अभी डू गिवन था, इसलिए हमने क्या यूज कर लिया? डन यूज कर लिया, ठीक है। तो शी हैज नेवर डन एंड विल नेवर डू दिस, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के मैंने वीडियो में आपको बहुत ही स्लो तरीके से 10 रूल्स बताए हैं, और ये रूल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन रूल्स के बेसिस पे ही आपके एरर डिटेक्शन बनते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आप इन 10 रूल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को एक बार फिर देख लीजिए, और उसके बाद भी ना समझ में आया तो मुझे प्लीज़ बताइए, ताकि मैं आपको जब भी नेक्स्ट टर्न पे वीडियो दूंगा जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का मेरा लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी। ऐसी मैं चीज़ें आपको बहुत ईजी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, और फ्रेंड्स आप बस इन वीडियोज़ को ही देखेंगे तो आपके हर एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। तो अभी आपका IBPS पेपर है सैटरडे और संडे को, जिन फ्रेंड्स का है उनको भी हेल्प मिलेगी, साथ ही साथ जिनका भी AO का पेपर होगा, है ना, ओरिएंटल बैंक का, ओरिएंटल इंश्योरेंस का सॉरी, उनको भी हेल्प मिलेगी। और प्लस जो IBPS क्लर्क की तैयारी करें जो कि दिसंबर में, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, और मैं आपको कल के वीडियो में पूरी स्ट्रेटेजी बताऊँगा कि आगे हमें क्या करना है,
कि मैं आपको वीडियोस कैसे देने वाला हूँ और आपको जो क्लर्क है या एओ है उसके लिए आपको कैसे अप्रोच करना है और कैसे तैयारी करनी है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स कल का वीडियो मत मिस कीजिएगा। और अभी मैंने हाल ही में पिछले 2-3 दिनों में जितने वीडियोस दिए हैं आई होप आपने उनको देखा होगा, क्योंकि उनमें मैंने आपको एक वीडियोस पजल पे दिया है, ठीक है, और एक दो मैंने आपको DI भी कराए हैं, ठीक है। तो कई लोगों के पास मेरे पास मैसेज आए थे कि उनको वीडियो नहीं मिला है, तो मैं फ्रेंड्स बता दूँ कि मेरा सिर्फ सैटरडे संडे को कोई वीडियो नहीं था, बाकी मैंने मंडे से रोज़ वीडियो दिए हैं। आप प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए और अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको कोई भी डाउट बनता है तो आप मुझे बताइएगा, और अगर आपको आज का वीडियो कैसा लगेगा ये भी बताइएगा, ठीक है, कि वीडियो में कुछ कमी थी या वीडियो मेरे को लग रहा है कि क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा स्लो पेस में मैंने पढ़ाया है, क्योंकि मैंने उस हिसाब से पढ़ाया है ताकि जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो भी इनको समझ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो भी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।